हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी डेली में आपका स्वागत है और मैं हूँ श्रीकांत। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। मैंने अपने आज तक के करियर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया हुआ है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलिंग के सेमिनार भी लिए हुए हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने आज तक स्टूडेंट्स में देखी है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि जानकारी का अभाव। अब इसे हम समझ कैसे सकते हैं? देखिए, क्या होता है कि स्टूडेंट में कैलिबर और पोटेंशियल तो होता है, पर उस कैलिबर और पोटेंशियल का बेनिफिट वो अपने करियर में नहीं लेता। स्टूडेंट है जैसे एकेडमिकली वो काफ़ी स्ट्रांग है, पर वो अपने इस एकेडमिकली स्ट्रांग होने का बेनिफिट स्कॉलरशिप एग्जाम में नहीं ले पाता। ऐसा क्यों होता है? जबकि स्कॉलरशिप एग्जाम उस स्टूडेंट के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच का काम करती है और वो सब कुछ उस स्टूडेंट को इन फ्यूचर दिला सकती है जो वो स्टूडेंट डिजर्व करता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि स्टूडेंट के पास अवेयरनेस नहीं होती। इट मे बी पॉसिबल कि शायद ये स्कूल के थ्रू ही ना जानकारी मिले। इट मे बी पॉसिबल कि शायद स्टूडेंट को इस प्लेटफॉर्म के बारे में ही जानकारी ना। इट मे बी पॉसिबल कि स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी हो पर वो उसके अंदर उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने की सीरियसनेस ना हो। क्यों? क्योंकि उसे उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद के बेनिफिट की जानकारी नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं श्रीकांत एनसीईआरटी डेली में लेके आ रहा हूँ टॉप 30 स्कॉलरशिप एग्जाम्स के सीरीज ऑफ वीडियोस, जिसमें हम बात करेंगे वन बाय वन हर एक स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में, जिसकी में एलिजिबिलिटी उसकी क्या होती है, किस टाइप के स्टूडेंट्स उसमें बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम को पास करने के बाद इन फ्यूचर वो एग्ज़ाम हमें कब तक बेनिफिट दे सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि उस एग्ज़ाम के एनालिसिस के बारे में, वो एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाई जाती है, उस एग्ज़ाम को देने का पैटर्न क्या होता है और काफ़ी कुछ। तो समय न गंवाते हुए अगर आपने हमारे एनसीईआरटी डेली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे ये जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस हैं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप बहुत अच्छे से सही समय पर इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें।